बच्चों मैं आप लोग को एसएसटी क्लास टू में पार्ट 13 जल पढ़ाऊंगी। आप लोग को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों आइए हम लोग किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। जल, जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल है जहाँ जीवन है वहाँ। अगर जल जहाँ है वहीं जीवन है, जल नहीं अगर जहाँ नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। कोई भी प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्यारे बच्चों जल के बिना कोई भी प्राणी, चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य, कोई भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। पौधों और वृक्षों के लिए तो जल ही जीवन है। अगर पौधों को जल नहीं मिलेगा तो पौधे वृक्ष क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। जल के बिना पौधे भोजन नहीं ले सकते। अगर जल उन लोग को नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों को, तो अपना वो भोजन नहीं बना पाएंगे। पशु और पक्षी सभी पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। पशु और पक्षी भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अगर उन लोग को भी पानी ना मिले तो भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इस चित्र में सभी पानी पी रहे हैं। जल हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता है। जल हमारे प्रतिदिन के कार्यों में जल की जरूरत होती है। हाथ मुंह धोने से लेकर नहाने, कपड़े धोने और खाना बनाने, पकाने, सभी कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों जल से हम क्या करते हैं? हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। अगर पानी नहीं है तो खाना भी नहीं बन पाएगा। पानी से सभी कार्य जल से ही होता है, पानी से ही होता है। कारखाने चलाने, खेत सींचने और बिजली बनाने में भी जल की जरूरत होती है। अगर जल नहीं है तो कल कारखाने भी नहीं चल पाएंगे, खेत भी नहीं सिंचाई हो पाएगी, बिजली भी नहीं बन पाएगा। तो इन जल से ही ये सब जरूरत पूरा होता है। पृथ्वी को जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी माने हमारे जमीन को जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से। वर्षा का जल नदियों, तालाबों और झीलों में एकत्र हो जाता है। वर्षा का जल कहाँ एकत्र होता है बच्चों? नदियों, तालाबों और झीलों में, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। एकत्र माने इकट्ठा हो जाता है। नदियों का जल बहकर सागर में पहुँच जाता है। नदियों का जल कहाँ जाता है बच्चों? सागर में, समुद्र में। भूमि द्वारा सोखा हुआ जल भूमिगत जल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भूमिगत। इसका उपयोग हम नलों, नलकूप और पंपों द्वारा करते हैं। नदियों, तालाबों और झीलों का जल पीने योग्य नहीं होता। तो बच्चों नदियों, तालाबों और झीलों का जल जो है पीने योग्य पानी नहीं होता। इस जल में अशुद्धियां मिली होती हैं। नगरों में इस जल को साफ करके प्रयोग में लाया जाता है। बड़े बड़े नगरों में इस जल को मशीनों द्वारा साफ करके प्रयोग में लाते हैं। नलों, नलकूपों तथा पंपों द्वारा निकाला जल स्वच्छ होता है। नलों, नलकूप तथा पंपों द्वारा जो पानी निकलता है वो कैसा होता है? साफ होता है, स्वच्छ होता है। अशुद्ध जल पीने से शरीर रोगी बन जाता है। अगर हम अशुद्ध जल पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? हमारा शरीर रोगी बन जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। पानी को उबालकर तथा छानकर साफ किया जाता है। बच्चों पानी को उबालकर पीजिए, छानकर पीजिए, तभी वो स्वच्छ होगा, साफ होगा। क्लोरीन डालने से जल के कीटाणु मर जाते हैं। अगर अशुद्ध जल है तो उसमें क्या डालना है बच्चों? क्लोरीन। अगर इसको हम डालेंगे तो कीटाणु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, तब उसको आप पी सकते हैं। पीने के जल को साफ बर्तन में ढक कर रखना चाहिए। जो पानी हम लोग पीते हैं उस पानी को साफ बर्तन में ढक कर रखना चाहिए, तभी पीना चाहिए। पानी पीने के लिए स्वच्छ बर्तन ही काम में लाने चाहिए। स्वच्छ बर्तन ही प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। बर्तन से
पानी निकालने के लिए हैंडल वाला बर्तन प्रयोग में लाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर घड़ा है चाहे बाल्टी है तो हैंडल लगा हुआ बर्तन उसमें डालना चाहिए, हाथ से नहीं निकालना चाहिए। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। जल की एक एक बूंद क्या है? बहुत बहुमूल्य है। जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जल को नष्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। नल को व्यर्थ खुला मत छोड़ो। जो आपका नल है उसको बंद करके टूटी रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। तो प्यारे बच्चों, जल के बारे में आपने पढ़ा, आप किताब को पढ़िए, समझिए। थैंक यू बच्चों। पाठ 13 जल पढ़ चुके हैं, उसका अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे और लिखेंगे। आइए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ें। पहला प्रश्न, जल के चार उपयोग लिखिए। उत्तर है, हाथ मुंह धोने से लेकर नहाने। दूसरा, कारखाने चलाने। तीसरा, खेत सींचने। चौथा, बिजली बनाने। ये चार उपयोग है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, जल के बिना पेड़ पौधे भोजन नहीं ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, जल हमारे किन किन कामों में आता है? उत्तर है, जल हमारे हाथ मुंह धोने से लेकर नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने, कारखाने चलाने, खेत सींचने, बिजली बनाने आदि कामों में आता है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी को जल कहाँ से मिलता है? इसका उत्तर है, पृथ्वी को जल वर्षा से मिलता है। प्रश्न नंबर 4, अशुद्ध जल पीने से क्या हानि होती है? उत्तर है, अशुद्ध जल पीने से शरीर रोगी बन जाता है। प्रश्न नंबर 5, जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए? उत्तर है, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, इसलिए जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, निम्न वाक्यों में उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पहला, पौधों और वृक्षों के लिए तो जल ही जीवन भरेंगे बच्चों है। दूसरा, जल हमारे दैनिक भरेंगे जीवन की आवश्यकता है। तीसरा, अशुद्ध भरेंगे, जल पीने से शरीर रोगी बन जाता है। चौथा, क्लोरीन भरेंगे, डालने से जल के कीटाणु मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अभ्यास प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखिए, पढ़िए, याद करिए। थैंक यू।